विद्यार्थी मित्रों, विभाग दो ऐच्छिक हिंदी के लिए जिन दो प्रश्न पत्रों को हमें हल करना है, उसमें जो कविता का पेपर है, उस कविता के पेपर के लिए इस सत्र के लिए यह पुस्तक लगाई गई है, जिसका शीर्षक है काव्यामृत, जिसके संपादक है प्राध्यापक एकनाथ पाटिल। तो इस पुस्तक में एक बहुत ही अच्छी कविता संकलित की गई है, जिसका नाम है लता की शायरी। अगर आप देखें तो देखिए लता की शायरी, यो कविता प्रकाश भोसले, जो कि कोटिमांका सांगली के यहाँ से है। और जैसे कि इस कविता का शीर्षक से ही आपको पता चल गया होगा कि यह एक शायरी है, और यह शायरी किस पर लिखी हुई है, तो लता दीदी के जीवन पर लिखी हुई है। लता दीदी आपको मालूम है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपना नाम किया है। वह एक अच्छी गीतकार, अच्छी फनकारा के रूप में वह सारे विश्व में मशहूर है। तो लता की शायरी इस महान गायिका सम्राज्ञी लता मंगेशकर के जीवन पर लिखी हुई यह कविता है। प्रकाश भोसले जी को लता दीदी अपने पुत्र के समान मानती है, और इसलिए लता दीदी को लेखक या कवि अपनी माँ के रूप में देखते हैं। तो इस कविता का यह विशेषता है कि इस कविता की अगर आप देखें तो इससे पहली पंक्ति जो है वह द से शुरू होती है, दूसरी पंक्ति जो है ता से शुरू होती है। इस कविता में जितनी भी पंक्तियां हैं उसमें पहली पंक्ति जो है ल से शुरू होती है, दूसरी ता से शुरू होती है, यानी लता यह शब्द यहाँ तैयार होता है। इस दृष्टि से यह कविता अत्यंत महत्वपूर्ण इस प्रकार की कविता है। तो प्रस्तुत शायरी प्रकाश भोसले जी की लता की शायरी नमक किताब से ली गई है, और इस किताब में लता मंगेशकर जी पर बहुत सारी कविताएं लिखी हुई है। तो महान गायिका सर्व सम्मानी लता मंगेशकर जी को कवि अपनी माँ के समान मानता है, लता जी को कभी अपने बेटे के समान मानती है। तो इस दृष्टि से यह कविता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीधे हम कविता की ओर आते हैं। कविता का शीर्षक है लता की शायरी, प्रकाश भोसले जी ने यह कविता लिखी हुई है। इस दृष्टि से यह कविता अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहली पंक्ति उसमें इस अगर शायरी में अगर आप देखें तो इसमें आठ शेर यहाँ संकलित किए हुए हैं। शायरी में शेर होते हैं और हर शेर का अर्थ अलग अलग होता है, यह शायरी की खासियत है। कविता अलग होती है और शायरी अलग होती है, क्योंकि शायरी में शेरों का संकलन होता है, और इसलिए इस कविता में हम देखें तो यहाँ आठ शेर संकलित किए हुए हैं, और खासियत यह है कि हर शेर जो है अलग रूप से लता दीदी के जीवन को, खासियत को, उनके जीवन के भू आयाम इस प्रकार के व्यक्तित्व को हमारे समुद्र रखते हैं। तो इस दृष्टि से इस कविता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से इस कविता पर हम आज विचार करेंगे, जिसका शीर्षक है लता की शायरी प्रकाश भोसले। तो पहला शेर यहाँ है, लगता है जिंदगी बीतेगी तुझे एक बार मिलने की आस दिल में दिए, लगता है जिंदगी बीतेगी तुझे एक बार मिलने की आस दिल में लिए, ताक में मैं रहा तू ही मेरा बेटा, यह मेरी जुबा से सुनने के लिए। जैसे एक माँ अपने बेटे से बेटा यह शब्द सुनने के लिए, माँ यह शब्द सुनने के लिए वह तरसती रहती है, उसी प्रकार से यहाँ माँ और बेटे का संबंध इस पहले शेर में यहाँ व्यक्त किया हुआ है। सबसे पवित्र और सबसे प्यारा रिश्ता अगर कौन सा है जीवन में, तो माँ और बेटे का रिश्ता है, माँ और बेटे का रिश्ता है, बाप और बेटी का रिश्ता है। हाँ, तो इस दृष्टि से इस कविता में माँ और बेटे के रिश्ते के बारे में पहले शेर में कहा हुआ है। यहाँ कवि कहते हैं, देखते लगता है जिंदगी बीतेगी तुझे एक बार मिलने की आस दिल में लिए, ताक में मैं रहा तू ही मेरा बेटा, यह तेरी जुबा से सुनने के लिए। यानी कवि यहाँ लता दीदी से मिलने के लिए व्याकुल है, और वह लता दीदी भी कवि से मिलने के लिए व्याकुल है, और इसलिए कहा है ताक में मैं रहा तू ही मेरा बेटा, यह तेरी जुबा से सुनने के लिए। यानी यहाँ कवि ने लता दीदी से मिलने की आस इस पंक्ति में व्यक्त हुई है, और वह चाहता है कि जल्द से जल्द अपनी माँ लता से वह मिले, और इस दृष्टि से इस कविता में यह बात कही हुई, इस पंक्ति में यह बात कही हुई है। दूसरी शायरी यहाँ है जहां कहा जाता है कि लगी है तेरी आवाज से कुछ हम भूले हैं, कब होने वाली है कयामत, लगी है तेरी आवाज से कुछ हम भूले हैं, कब होने वाली है कयामत, ताल सुरों से सजी तेरी आवाज जहां गूंज उठेगी वही मानेंगे जन्नत। यानी लता जी के अगर आप गाने अगर सुने तो उन गानों में अगर सुनने के उपरांत आप अपनी प्यास भूल जाएंगे, आप अपनी भूख भूल जाएंगे, यानी जन्नत आप महसूस करेंगे। तो लता जी की गाने की खासियत यहाँ इस पंक्तियों में व्यक्त हुई है। लगी है तेरी आवाज से कुछ हम भूले हैं,
कब होने वाली है कयामत, यानी कयामत को भी हम भूल जाते हैं जब तेरी आवाज हम सुनते हैं। ताल सुरों से सजी तेरी आवाज जहां गूंज उठेगी वही मानेंगे जन्नत, यानी लता दीदी जब गाना गाती रहती है तो हम देखते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरी जन्नत है नहीं, इसके अलावा दूसरा कोई सुख है नहीं। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस प्रकार के गीत लता मंगेशकर जी ने गाए हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे बहुत आयाम इस प्रकार के गीत फिल्मों में गाए हुए हैं। तो जब यह हम गीत सुनते हैं तो हमें लगता है कि जन्नत इससे सिवा दूसरे कोई है नहीं, कयामत को भी हम भूल जाते हैं, यानी तूफान को भी हम भूल जाते हैं आने वाले, और वह हम गाना जो है सुनने लगते हैं। तीसरे शेर में कहा है, देखिए, लगती है तेरी आवाज से बढ़कर लुभावनी वह जन्नत भी तो नहीं है, लगती है तेरी आवाज से बढ़कर लुभावनी वह जन्नत भी तो नहीं है, तार सुरों से सजी तेरी आवाज के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। यानी लता दीदी की आवाज जन्नत से कुछ कम नहीं है, यानी जन्नत भी इतनी सुहावनी नहीं होगी, जन्नत भी इतनी सुखदायक नहीं होगी जितने की लता की आवाज है, और ताल सुरों से सजी यह आवाज के सामने दुनिया के सभी सुख जो है गैर माने इस प्रकार के है, उसका कोई अर्थ नहीं है। लता लफ्ज पलट दे तो ताल होता है जो संगीत की आत्मा है, और लता यह शब्द जो है अगर हम पलट दे तो ताल होता है, जैसे शिवाजी यह शब्द हम पलट दे तो हम कहते हैं जीवाशी यह शब्द होता है, उसी तरह से लता यह शब्द अगर हम पलट दे तो ताल होता है, यानी ताल और लता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। लता लफ्ज पलट दे तो ताल होता है जो संगीत की आत्मा है, ताल के सिवा संगीत बज नहीं सकता, हम जानते हैं कि संगीत के लिए ताल चाहिए, ताल लफ्ज पलट दे तो लता होती है संगीत का करिश्मा, यानी ताल और लता दोनों एक साथ चलते हैं तो संगीत में करिश्मा हो जाता है, दोनों एक दूसरे से पूरक है ताल और लता। अगला शेर है, लता कोई नाम या लफ्ज नहीं वो मालिक का दिखाया हुआ एक करिश्मा है, लता कोई नाम या लफ्ज नहीं वो मालिक का दिखाया हुआ करिश्मा है, ताल सुन से सजा हुआ आवाज का तोहफा संगीत की दुनिया को मिला हुआ है। लता यानी करिश्मा है कहा जाता है, लता दीदी की उम्र इतनी होने के बावजूद भी आज भी उनके अगर हम आवाज सुने तो वह एक छोटे बच्चे की तरह पहली सी आवाज उनकी हमें दिखाई देती है, तो लता की आवाज यानी करिश्मा है दुनिया की, जो नौ करिश्मे है कहते हैं, तो उसमें से यह एक करिश्मा है लता दीदी की आवाज। ताल सुरों से सजा हुआ आवाज का तोहफा संगीत की दुनिया को मिला हुआ है, और संगीत की दुनिया को एक बहुत बड़ा तोहफा हमारे भारत रत्न लता मंगेशकर के रूप में हमें मिला हुआ है। लगता है यकीनन तेरी आवाज में कोई जादू है भरा हुआ, यानी लता दीदी की आवाज में कोई जादू भरा हुआ है, जब संगीत और लता दीदी की आवाज एक साथ हमारे कान पर पड़ जाती है तो हम थम जाते हैं सुनने के लिए थोड़ी देर के लिए। लगता है यकीनन तेरी आवाज में कोई जादू है भरा हुआ, तारीफ तेरी आवाज की करने के लिए एक बेजुबान परेशान हुआ, यानी तेरी आवाज करने के लिए बेजुबान आदमी भी परेशान होता है कि लता दीदी की आवाज की मैं यहाँ तारीफ करूं लेकिन मेरे पास जुबा है नहीं, अगर मेरे पास जुबा होती तो पहले मैं लता दीदी की आवाज की तारीफ करता। लोगों की सूखी उम्र के साथ ढलान की ओर चढ़ती है, ताल सुरों से सजे तेरी गीतों की प्यास दिनों दिन बढ़ती है, और लता के गीत आप जितने सुनते चले जाए उतनी वह प्यास बढ़ती है। जैसे हम एक आधे गाना सुनते हैं तो दूसरा गाना लगता है, तो यह भी बहुत अच्छा है ऐसा लगता है, यानी वह गीतों का एक कारवा लगा हुआ है लता दीदी के, एक से बढ़कर एक से बेहतर इस प्रकार के गीत उन्होंने पेश किए हैं। और आखिरकार आठवां शेर जो है कहता है, लहरें जब तेरे लबों से तेरे गीतों की निकलती है, लहरें जब तेरे लबों से तेरे गीतों की निकलती है, ताल पर तेरे गीतों के यह मनमोर नाच उठता है, यानी लता दीदी की आवाज से लबों से जब कोई गीत हमारे सम्मुख आता है हमारे कान में उतरता है तो मानो मन में होने वाले मोर जो है उछलते रहते हैं कि कितना अच्छा आवाज, कितनी अच्छी आवाज, कितनी बेहतरीन इस प्रकार की आवाज, कितनी बेहतरीन इस प्रकार की पेशकश, यानी लता जी पहले उस गीत को जीती है और बाद में वो प्रस्तुत करती है, और उसके दर्शक के सामने भी जब वह गाना सुनता है तो वह भाव विभोर हो जाता है, वह चित्र उसके सम्मुख पेश हो जाता है, चाहे प्रेम गीत हो, चाहे विरह गीत हो, चाहे वीर गीत हो, ये सभी गीत लता दीदी ने बहुत सारे गाए हुए हैं, तो वो चित्र हमारे सम्मुख खड़ा हो जाता है। तो लता की शायरी इस कविता के द्वारा, जैसे मैंने आपसे कहा कि आठ यहाँ शेर लिखे हुए हैं, आठ शेर में लता दी के जीवन के बहुआयामी व्यक्तिमत्व को हमारे सम्मुख रखा हुआ है। इस पर प्रश्न आ सकता है शौर्य विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र में कि लता की शायरी इस
कविता के माध्यम से लता दीदी के बहुआयामी व्यक्तिमत्व को कवि ने किस प्रकार स्पष्ट किया होगा। तो बहुआयामी व्यक्तिमत्व है लता दीदी का, उनकी आवाज, उनका ताल सुर, लुभावनी किस प्रकार की आवाज मिलती है, मोन मन में किस प्रकार होते हैं, उम्र होने के बावजूद भी लता उस ढलान की उम्र पर भी किस प्रकार गाती है, बहुत सारी इस प्रकार की विशेषताएं लता दीदी के गायन की यहाँ इस कविता के द्वारा व्यक्त हुई है। ठीक है, अगले क्लास में हम एक अलग कविता लेकर मैं आपके समक्ष आऊंगा। थैंक यू।